किसानों के सम्मान में, मैदान में किसानों के सम्मान में, सेवा दल मैदान में कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत का मजबूत किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान, भारत का मजबूत किसान। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए मेरा नाम चंद्रप्रकाश वाजपेयी है, मैं कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ, पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश संगठन का मैं प्रभारी हूँ। हम सब किसान संघर्ष यात्रा के यात्री हैं और इस आंदोलन में किसानों को मजबूत करने के लिए, सहयोग देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी और सेवा दल के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए। ये कहने के लिए आए हैं कि जो भी देश में कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की राहत के लिए बनाए जाते हैं कि समस्याओं के लिए बनाए जाते हैं। भारत में अब तक के जितने भी कानून बनाए गए लोगों के हित के लिए बनाए गए, ये पहला इकलौता ऐसा कानून है जो कि जिनके लिए बनाया गया वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बेहद लज्जाजनक और बेहद खेद का ये विषय है। ये कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने यह हम सबको निर्देशित किया कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश पर किसानों को ताकत देने के लिए, सहयोग देने के लिए इसको सड़कों पर उतरना है। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर हमारे आदरणीय नेता माननीय कमलनाथ जी ने ये लाडला तिरंगा सेवा दल की 7 टुकड़ियों को सौंपे और हम लोग पूरे 7 टुकड़ियों में चलकर पूरे मध्य प्रदेश में ये जो टुकड़ी आपके यहाँ पधारी है जिसका नेतृत्व आदरणीय कल्लू भैया, ब्रजकिशोर शर्मा जी, अरविंद भदौरिया जी कर रहे हैं और ये यात्रा 20 तारीख को मुरैना में जाकर एक विशाल कांग्रेस के अधिवेशन में संपन्न होगी। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये कानून जिसके लिए बनाया गया है वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र है, उसकी खेती पर नजर है, उसके अनाज पर नजर है और ये होने नहीं देंगे। ये मनसा मोदी की पूरे होने नहीं देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस संघर्ष चलता रहेगा। तो आप लोगों की सेवा दल की अब आगे की रणनीति क्या है, जो आप लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, अब जो मुरैना में जो आपकी यात्रा का समापन होगा, अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है आप लोगों की बात, तो इसके बाद की आपकी अगली रणनीति क्या होगी? इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 20 तारीख को मुरैना में ये जो विशाल जंगी सभा होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, किसानों को भी 5 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर अपना डेरा डालकर आंदोलन करना पड़ रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने के लिए सारी योजनाएं बन रही हैं। मोदी चाहे कितना भी घेराबंदी कर लें, कांग्रेस के लोग दिल्ली बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो गुना में आपके लिए क्या मिला, कांग्रेस की तरफ से आपको ऊर्जा दिखाई दी गुना में? बिल्कुल, हमारे माननीय कांग्रेस के दोनों अध्यक्षों ने रात को ही इस टोली का स्वागत किया, अंधेरी रात में आए पधारे, कांग्रेस के लोग पधारे, सेवा दल के जिला अध्यक्ष जी पधारे, अच्छा उन्होंने हम लोगों को भोजन पानी दिया, जलपान हम लोगों का कराया, कहीं कोई उसमें कोई हम सब प्रसन्न होकर यहाँ से जा रहे हैं, उनका पूरा सहयोग मिला। आज जो आपने SDM महोदय को जो ज्ञापन दिया है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से भी कार्रवाई की मिलेंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैंने तो SDM साहब से कहा है, बेटा तुम भी किसी न किसी किसान वंश की लड़की हो और किसानों के दर्द को अच्छी गहराई से समझ सकती हो। उन्होंने कहा है कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से गुना सेवा दल का ये ज्ञापन। मेरे साथ में गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस सेवा दल की ये जो रैली है, ये जो मुरैना में जाके खत्म होगी, गुना से क्या इसका आप इसमें आप किस प्रकार से शामिल होंगे और आपकी इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं रहेंगी? सर्वप्रथम मैं हमारे बीच पधारे प्रदेश के पूर्व विधायक हमारे और सेवा दल के प्रभारी आदरणीय चंद्रप्रकाश वाजपेयी जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्षणिक समय में हमको
यहाँ कार्यक्रम करने का निर्देश प्राप्त हुआ, लेकिन पार्टी का आदेश था, हमने पूरी क्षमता के साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस कृषि काले कानून, तीनों काले कानून की वजह से पूरे देश में जो भयंकर तूफान आने वाला है, हम उस तूफान को नहीं आने देंगे और जनहित में, हमारे देश के किसानों के हित में इस काले कानून को वापस कराकर ही चैन से सोएंगे। गुना से लगभग 100 गाड़ियों का काफला किसानों को लेकर मुरैना के आंदोलन में भाग लेगा, ये हमारा प्लान है। और निश्चित रूप से मोदी सरकार पर दबाव पड़ेगा और काला कानून वापस लेना होगा। आपके नेतृत्व में गुना में जो कांग्रेस के धरने निरंतर जारी हैं, ये आगे भी रहेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी किसानों की? मेरे नेतृत्व में नहीं, ये सारे कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित किए जाते हैं। और हर कार्यक्रम को हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ, हमारे सभी संगठन मोर्चे के मुखियाओं के साथ अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं।